आज के इस वीडियो में हम लोग क्लॉक के टाइप थ्री का क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस करने वाले हैं इससे पहले हम लोगों ने टाइप थ्री के क्वेश्चन नंबर वन टू एंड थ्री को डिस्कस किया है अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लॉक फोल्डर में सारे वीडियोज को सीक्वेंस में देख सकते हैं तो टाइप थ्री के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं वो फार्मूला कौन सा है थीटा इज इक्वल टू थर्टी एच माइनस इलेवन एम बाई टू या फिर थीटा इज इक्वल टू इलेवन एम बाई टू माइनस थर्टी एच या या तो तो पहले पहले बाद बाद में या फिर by 2 पहले 30H बाद में फिर तो यही दोनों है इसी को को यूज़ करके हम टाइप 3 के सारे सॉल्व कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा यूज़ किया जाए तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि हमेशा आप ये वाला फॉर्मूला तब फिर आप सेकेंड वाला यूज करिए ठीक है जरूरी नहीं है कि दोनों फॉर्मूला से ही आपका आंसर सही आ जाएगा इसलिए आप स्टार्ट करिए इस वाले फॉर्मूले से अगर आंसर आ गया तो वही सही है अगर आंसर नहीं आया या कुछ गलत हो रहा है तब फिर आप सेकेंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो अब यूज करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले को इसमें बोला जा रहा है कि सेवन ओ क्लॉक से एट ओ क्लॉक के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा जब क्लॉक की जो के जो हैंड्स हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में बट नॉट टुगेदर मतलब एक ही सीधी रेखा में है लेकिन एक साथ नहीं है तो इस केस में थीटा का क्या वैल्यू होगा एंगल क्या होगा जब दोनों एक ही सीधी रेखा में है लेकिन एक साथ नहीं है मतलब एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होगा तो एंगल 180 डिग्री तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री अब एच का क्या वैल्यू होगा इस क्वेश्चन में सेवन टू एट के बीच में सेवन ओ क्लॉक और एट ओ क्लॉक के बीच में तो सेवन से 8 के बीच का कोई भी आप टाइम लिखिए तो एच का वैल्यू हमेशा सेवन ही होगा घंटे का वैल्यू सेवन होगा तो एच का वैल्यू सेवन हो गया और एम का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा तो फाइंड आउट करते हैं हम लोग थीटा के जगह पे 180 एट्टी लिख दिया थर्टी इंटू एच के जगह पे 7 माइनस इलेवन एम बाई टू और 180 एट्टी इज इक्वल टू थर्टी इंटू सेवन टू हंड्रेड टेन माइनस एलेवन एम बाई टू यहाँ से इलेवन एम बाई टू का वैल्यू आ जाएगा 210 हंड्रेड टेन माइनस वन जो कि हो गया 30 यहां से हम लोग m का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे थर्टी इंटू टू बाई इलेवन जो कि हो गया सिक्सटी बाई इलेवन जिसको हम लोग लिख सकते हैं फाइव फाइव बाई इलेवन तो आंसर आ गया सात बजकर फाइव फाइव बाई एलेवन मिनट इस टाइम पे जाके सात से आठ के बीच में घड़ी की शुईया एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं होंगी एक साथ नहीं होंगी मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो ये हमारा आंसर आ गया तो फर्स्ट फॉर्मूला ही हमने यूज किया उसी से हमारा आंसर आ गया तो बस हम यहीं रुक जाएंगे अब ये केस लेके चलते हैं मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला यूज किया तो उसको अपने आप पता चल जाएगा कि उसका आंसर गलत आ गया है कैसे पता चलेगा वो देखिए अगर यहाँ पे पुट कर दें थीटा का वैल्यू 180 डिग्री इलेवन एम बाई टू माइनस थर्टी इंटू एच के जगह पे क्या है सेवन तो थर्टी इंटू सेवन तो यहाँ से एलेवन एम बाई टू का वैल्यू आ जाएगा वन एट्टी प्लस थर्टी इंटू सेवन टू हंड्रेड टेन जो कि हो गया थ्री नाइन्टी तो m का वैल्यू आ जाएगा थ्री नाइनटी इंटू टू बाई इलेवन जो की हो गया 780 11. 780 11 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 11 7 जा 77, तो ये 70 10 इलेवन तो से अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर ये आंसर आया तो 7 बजे से 8 बजे के बीच में 7 और ये मिनट का पार्ट है तो 70 सेवनटी टेन ये आंसर होगा लेकिन अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये आंसर लाते हैं तो आपको यहां थोड़ा नोटिस करने वाली चीज ये है कि ये जो टाइम है क्या ये सात बजे से आठ बजे के बीच का टाइम है क्या नहीं ये सात से आठ के बीच का टाइम नहीं है आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेवन ओ क्लॉक और एट ओ क्लॉक के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होगा ये लेकिन देखिए सात बजकर कितना मिनट है सत्तर मिनट सेवेंटी मिनट से ज्यादा का टाइम है तो सात बजे के बाद जब साठ मिनट होता है तब तो वो आठ बज जाता है एट ओ क्लॉक हो जाता है तो सात बजे के बाद सेवनटी मिनट तो ये तो आठ से नौ के बीच का टाइम हो जाएगा तो यही देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका आंसर गलत आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप किसी भी एक फॉर्मूले से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन आंसर आने के बाद आपको देख लेना है कि आंसर सही आया या गलत आया अगर सही आ गया तो वही सही है अगर गलत आ गया तो आप दूसरे वाले को यूज करके फाइंड आउट कर लीजिए वहां से सही आंसर आ जाएगा वैसे मैंने ये बताया कि हमेशा आप इस वाले फार्मूले को स्टार्ट करके बनाइए अगर आंसर सही आ गया तो वहीं रुक जाइए अगर आंसर कुछ गलत आ रहा है या नहीं आ रहा है तब जाकर सेकेंड वाला फार्मूला यूज करिए वैसे इस क्वेश्चन में मैंने दिखा दिया कि अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड फार्मूला को पहले यूज करता है तो आंसर देख के उसको पता चल जाएगा कि कुछ गलत हो गया है तब जाकर वो स्टूडेंट फर्स्ट फार्मूला को यूज करके आंसर ले आएगा तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है बस आपको आंसर के बारे में अवेयर रहना है कि सेवन सेवेंटी टेन बाइ इलेवन इसका मतलब ये सात से आठ बजे के बीच का तो टाइम है ही नहीं ये तो सात बजकर सत्तर मिनट मतलब सात बजकर साठ मिनट होगा तब आठ बज जाएगा एट ओ क्लॉक हो जाएगा तो ये तो एट ओ क्लॉक के बाद का टाइम है तो ये कुछ गलत आ गया हमारा ठीक है अगर समझने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को बैक करके एक बार एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप थ्री के क्वेश्चन नंबर फाइव को डिस्कस करेंगे